हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे तिल चिक्की या पापड़ी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी है। तो ऐसे टेस्टी चिक्की के लिए मैंने लिया है तिल। तिल एक कटोरी है और गुड़ भी एक कटोरी है, और इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज़ करूँगी जो आगे बताऊँगी। उसके अलावा ये है घी और कुछ ड्राई फ्रूट और दो इलायची। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अभी मैंने रखा एक पैन, उसमें मैंने डाला है तिल्ली। तिल्ली डाल के इसको धीमी आंच पे अच्छे से भुनना है। अगर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो तिल्ली जल जाता है जल्दी, इसलिए धीमी आंच पे ही हमें अच्छे से चलाते हुए इसे भुनना है। अब तिल काफ़ी अच्छे से भुन के रेडी है, इसे मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। ये तिल की चिक्की बनाने के बाद काफ़ी दिनों तक क्रिस्पी रहेगी। जनरली हम लोग तिल की चिक्की बनाते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद ही या दो तीन दिनों में ही वो नरम पड़ जाती है, बट यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँगी जिससे वो नरम नहीं पड़ेगा। अब सेम उसी पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून घी और उसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। गुड़ डाल के धीमी आँच पर हमें इसको अच्छे से पिघलाना है। घी की जगह आप चाहो तो पानी डाल के भी गुड़ को मेल्ट कर सकते हैं। घी या पानी इसलिए डालते हैं ताकि गुड़ कढ़ाई में लग के जल ना जाए। अब इसे धीमी आंच पे अच्छे से चलाते हुए मैंने पिघला लिया है, मतलब चाशनी बनाया है। अब चाशनी बना है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सिरप डालेंगे। सिरप डाल के चेक करेंगे। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ चाशनी बना नहीं है, ये नरम है और हमें एकदम क्रिस्पी बनाना है, मतलब जैसे ये खींचा रहा है ऐसा नहीं खींचना चाहिए। इसको मैं फिर से पका रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर चाशनी अच्छे से नहीं बनी तो चिक्की भी क्रिस्पी नहीं रहेगी। अभी मैं फिर से चेक कर रही हूँ। मैंने एक बाउल में पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा चाशनी डाला है। चाशनी डाल के अब 1-2 सेकेंड रुक के अब मैं इसको निकाल रही हूँ। निकाल के अब आप देखिए इसमें से एकदम आवाज़ आ रही है, बस ऐसी आवाज़ आनी चाहिए और ये तोड़ते साथ तुरंत टूटना चाहिए, मतलब ये एकदम बन के रेडी है। ये क्रिस्पी है, इसमें से साउंड भी आ रहा है, मतलब चाशनी बन के रेडी है। अगर ऐसी चाशनी बनी मतलब चिक्की भी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई इलायची और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट खाने का सोडा। सोडा डालने से चिक्की लंबे समय तक क्रिस्पी रहती है। जनरली हम लोग चिक्की बनाते हैं तो तुरंत या थोड़ी ही देर में वो नरम पड़ जाती है, खींची खींची रहती है, बट अगर हम लोग खाने का सोडा डालते हैं तो वो लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगी। पर हाँ, हमें एयरटाइट कंटेनर में रखना ज़रूरी है। अभी मैंने इसमें डाला है तिल्ली। तिल्ली डाल के अभी हम लोग गुड़ और तिल्ली को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस तिल्ली और गुड़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैं सिल्वर फॉइल का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहो तो स्टील की या कांच की थाली या फिर चॉपिंग बोर्ड या जिसके ऊपर हम लोग रोटी बनाते हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसको ग्रीस करके उसके ऊपर भी ये मिश्रण पलट सकते हैं, पर प्लास्टिक का नहीं यूज़ करना है। अभी मैं इस मिश्रण को सिल्वर फॉइल के ऊपर डाल रही हूँ। डालकर स्पून से अच्छे से फैलाकर उसके बाद बेलन के ऊपर ऑयल लगाकर उससे हम लोग बेलेंगे। अगर हम लोग बेलन को ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये सारा मिश्रण बेलन को चिपक जाएगा। अब इसको हल्के हाथों से बेलना है। तिल को खाने के कई ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि इसमें आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और भी कई ज़्यादा फायदे हैं। अब ये बिल चुका है, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट डाल के मैं हल्का बेल रही हूँ ताकि ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से चिपक जाए। अब ये गर्म है तभी हम लोग इसको काट लेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। अब मैं इसको काट रही हूँ। काट के जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे हम लोग एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। एयरटाइट कंटेनर में रख के इसे हम लोग 1 मंथ तक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ तक भी ये खराब नहीं होता है ये चिक्की। आप चाहो तो इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हो, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, या सिंपल मूंगफली या तिल्ली के साथ भी बना सकते हैं। प्रोसीजर सेम है। अब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और ये बहुत ही आसानी से निकल भी रहा है। अगर हम लोग थाली को भी ग्रीस करके बनाते हैं तो उसमें भी निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो सिल्वर फॉइल पर ज़रूर ट्राई करना। अब सारे चिक्की बन गए हैं, मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।